फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीआरडी के बारे में, पांच इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये पांच बातें आपको सीआरडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एज ए ब्रॉयलर फार्मर। तो यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो में आए हैं कि इस वीडियो में आपको सीआरडी के सिम्टम या सीआरडी की किसी मेडिसिन के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप यही पर ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जल्दी से हम बता देते हैं कि जो सीआरडी है, सीआरडी यानी कि क्रोनिक रेसिपेटरी डिसीज़, ये सांस से संबंधित बीमारी है पोल्ट्री की। तो ये जो जिस बैक्टीरियल की वजह से आपके वर्ड्स में आती है वो है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। पहली बात जो सीआरडी के बारे में हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि जो सीआरडी होती है वो आपके बर्ड्स में किसी भी एज में आ सकती है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीआरडी जब आपका ब्रॉयलर इतने दिन का हो जाएगा तब ही आपके जो है ब्रॉयलर्स में आएगी। यदि आपके पिछले फ्लोक में सीआरडी थी और आपने अपने शेड को उसके आले दुआले या फिर उसके जितने भी इक्विपमेंट एक्सेसरी है उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट नहीं किया है, तो आपके जो है अगले बैच में जो सीआरडी आ सकती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका चिक्स हैचरी से आपके शेड पर पहुंचता है तो हैचरी का मैनेजमेंट कैसा है, या फिर जहाँ फार्मर से होकर आपका चिक्स आपके शेड पर पहुंचता है, तो उस जो चिक्स कैरी करने वाली गाड़ी या उसके ड्राइवर के साथ भी आपके शेड तक जो ये इन्फेक्शन पहुंच सकती है। और कुछ केसेस में फ्रेंड, जो सीआरडी आपके चिक्स तक आने का कारण जो है जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अलावा यदि आपके फार्म पर कोई ऐसा फार्मर आ जाता है जिसके शेड पर पहले से सीआरडी हो, तो उस कारण भी आपके शेड तक ये पहुंच सकती है। उसके अलावा फ्रेंड, जो जंगली जीव यदि आपके शेड के आसपास मंडराते हैं तब भी ये आपके वर्ड तक इसका जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। तो फ्रेंड, जो दूसरी बात सीआरडी के बारे में है कि जो सीआरडी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब हम अपने ब्रॉयलर के लिए सेकंड वैक्सीन करते हैं आईबीडी यानी कि गंभारों के लिए, तो ये भी देखा गया है कि इस वैक्सीन के एक दो दिन बाद जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो उनमें जो साउंड आने की समस्या है वो हमें उसका सामना करना पड़ जाता है। तो ये जो साउंड है ये आगे जाकर जो है सीआरडी का रूप धारण कर लेती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे और बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। तो थर्ड फैक्ट जो सीआरडी के बारे में है कि सीआरडी की प्रिवेंशन के लिए जब हम अपने फ्लोक में कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स मान लो कि यदि हमने सीआरडी की प्रिवेंशन के लिए अपने चिक्स में दो से तीन दिन वीकली यदि हमने एंटीबायोटिक जो यूज़ किया वो एनरोफ्लोक्सासिन था, और दो हफ्ते के यूज़ के बाद यदि फ्रेंड्स हमारे थर्ड वीक में तीसरे हफ्ते हमारे बर्ड्स में सीआरडी आ जाती है, तो इसके लिए हमने जो प्रिवेंशन में एंटीबायोटिक यूज़ किया था उसको हमें रिप्लेस करना होगा। उसके स्थान पर जो है उनको जो साल्ट है वो उनका बर्ड का साल्ट चेंज करना होगा। यदि हमने प्रिवेंशन में एनरोफ्लोक्सासिन दिया तो फिर हमें जो है इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है फिर टाइलोसिन टार्ट्रेट या टेट्रासाइक्लिन का सेवन करना होगा, क्योंकि यदि हमने कोई प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर लिया है तब भी हमारे शेड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, तो हमें जो है जो प्रिवेंशन में हमने यूज़ किया था एंटीबायोटिक वो इतना कारगर नहीं होगा। तो फ्रेंड, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा सीआरडी के बारे में कि ये सीआरडी जो है इसको तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। जो नए फार्मर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो फर्स्ट स्टेज में जब सीआरडी होती है वो उसको पहचान नहीं पाते, उसको पढ़ नहीं पाते, तो ये जो सीआरडी है वो चली जाती है अपने सेकंड स्टेज पर। और सेकंड स्टेज पर ही यदि इसकी अच्छे से आइडेंटिफिकेशन
इसको अच्छे से डायग्नोज इसका जो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो जो सीआरडी है फिर पहुंच जाती है अपनी थर्ड स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स यदि आपका बर्ड है वो सीआरडी की थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, चाहे आपके किसी मैनेजमेंट की खामी हो या फिर आप एक नए फार्मर हो, तो थर्ड स्टेज के बाद जो है आपके बर्ड्स का सीआरडी से रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपके शेड में मोर्टैलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ फैक्ट, पांचवा जो फैक्ट सीआरडी के बारे है कि सीआरडी जब आपके लाट में आती है तो इसके साथ यदि आप इसको अच्छे से पहचान नहीं पाते तो इसके साथ और बहुत सी जो बीमारी है वो भी आ जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स इकोलाई हो गई और ये जो आगे जाकर जो है सीसीआरडी का रूप धारण कर लेती है जिससे लॉस बहुत होता है क्योंकि मोर्टैलिटी इस स्टेज में जो है काफ़ी होने लग पड़ती है। तो इसके अलावा है कि फ्रेंड्स सीआरडी आपके बर्ड्स में किस एज में आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है क्योंकि यदि सीआरडी आपके बर्ड्स में 20-21 दिन के बाद आती है तो इसके लिए जो उनको फिर एंटीबायोटिक दिया जाएगा उनके बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि जो बर्ड है वो सीआरडी की थर्ड स्टेज में आ जाता है और आपकी बर्ड की एज 30 से 32 दिन की होती है तो मोर्टैलिटी आप समझ सकते हैं और लॉस भी समझ सकते हैं क्योंकि इस वजह से जो हमारा बर्ड मरेगा वो एक तो उसके साथ जो चिक्स की कॉस्ट इंक्लूड होगी और साथ ही जो हम इतनी कॉस्टली फीड अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं वो कॉस्ट का फीड की कॉस्ट का खर्चा भी उन पर पड़ता है। और यदि आपको 30-32 दिन में आपको लगे कि सीआरडी आ गई है और इससे आगे जाकर ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो जल्दी से जल्दी आप जो है लॉस से बचने के लिए अपना माल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप जानना चाहते हैं कि सीआरडी के लिए मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करता हूँ जिसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो में एक दो जो वीडियो का लिंक और भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं पहले दिन से लेकर 35 दिन तक अपने जो ब्रॉयलर्स को क्या देता हूँ जिससे मुझे सीआरडी और सीआरडी जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनका सामना नहीं करना पड़ता। तो इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने पोल्ट्री के नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सन्नी पोल्ट्री पर आपको जो है फीड के रेट, चिक्स के रेट, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं कि कितनी डोज यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ करना होता है, किस रेट पर हमें मेडिसिन मिलती है, जो ये सभी जानकारी हम बारीकी से सन्नी पोल्ट्री पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सन्नी पोल्ट्री को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।